देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। सहारा ग्रुप के निवेशक और कार्यकर्ता हो जाए सावधान, क्योंकि सहारा ग्रुप कंपनी निवेशकों और कार्यकर्ताओं को कभी भी दे सकती है धोखा। आपको बता रहे कि सहारा ग्रुप के 15 लाख कार्यकर्ताओं के सर पर खतरे की तलवार लटक रही है। ये वो कार्यकर्ता हैं जो सहारा ग्रुप में कार्य करते थे और निवेशकों से पैसे जुटा कर सहारा ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट करवाते थे और साथ ही उनके TDS भी कटते थे। लेकिन अब सहारा ग्रुप कंपनी ने 57 NGO बनवा कर कार्यकर्ताओं को उस NGO का मेंबर बना दिया है। ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने निवेशकों से पैसे इन्वेस्ट करवा कर आज सहारा कंपनी को ऊपर तक पहुंचाया। लेकिन अब यही सहारा कंपनी ने इन कार्यकर्ताओं को लात मार दिया है। इतना ही नहीं, जिन निवेशकों के पैसे पूरे हो चुके हैं उन पैसों को सहारा ग्रुप कंपनी निवेशकों पर दबाव डालकर उन पैसों को NGO में ट्रांसफर करवा रही है। इसलिए इस वक्त बेहद जरूरी है कि निवेशक सावधान रहे। सहारा ग्रुप कंपनी में जिन निवेशकों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए वो जल्द से जल्द हो सके तो निकाल लें, और जिन्होंने पैसे निवेश नहीं किए हैं तो हम सावधान करते हैं कि आप ये कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके पैसे डूब सकते हैं। सहारा ग्रुप कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने लाखों निवेशकों से पैसे को इन्वेस्ट करा लिए, लेकिन उनके पैसे अभी तक वापस नहीं किए। आपको बता दें, सहारा के 15 लाख कार्यकर्ता जिनके TDS कटते थे, लेकिन सहारा ने उन सारे कार्यकर्ताओं को धोखा देते हुए सहारा ग्रुप से हटाकर 45 NGO बनवाया। उसके बाद कार्यकर्ताओं पर दबाव डालकर उनसे साइन करवा लिया और 47 सोसाइटी का मेंबर इन कार्यकर्ताओं को बना लिया। दरअसल सहारा ने अपने कार्यकर्ताओं द्वारा जनता को बेवकूफ बनाकर जो पैसा जमा करवाया है उन पैसों को सोसाइटी में ट्रांसफर करवा दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि आने वाले कल में अब इन कार्यकर्ताओं का क्या होगा। ना ही ये कार्यकर्ता अपने पैसों के लिए विरोध कर सकेंगे, क्योंकि निवेशकों का फंड सोसाइटी का फंड हो जाएगा। यानी सहारा फिर एक महाठगी करने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, सहारा ग्रुप में जितने निवेशकों ने निवेश किया है उनके पैसे वापस आने की कम उम्मीद है। यानी साफ है कि सहारा 15 लाख कार्यकर्ताओं को धोखा दे रही है। हाल ही में इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सहारा ने सेबी के पास जो पैसा जमा किया है उसके मुताबिक यह पैसे पूरे नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को कहा था कि वे निवेशकों के पैसे लौटा दे। इसके बावजूद भी सहारा ने अभी तक निवेशकों के पैसे नहीं लौटाए हैं। क्या ऐसा कर सहारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है? क्या इन्हें कानून का भी डर नहीं है? हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी गैर बैंकिंग वित्तीय कारोबार करने वाले सहारा समूह को चेतावनी दी थी कि वह अपनी ऐसी विभिन्न जमा योजनाओं में जिन जमाकर्ताओं की परिपक्वता अवधि पूरी हो गई है उनका 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित करे। अगर ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ राज्य में जमाकर्ताओं के हित संरक्षण कानून BPID 2002 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये तो मौज की जिंदगी जी रहे हैं और कार्यकर्ताओं के सर पर तलवार लटक रही है, क्योंकि उनका रोजगार जो खतरे में है। ये TDS कटवाने के बावजूद भी कभी भी बेरोजगार हो सकते हैं। आपको बता दें कि 2008 से 9 सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा
हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प के जरिए फंड जुटा रहा था। सेबी ने सहारा के इस फैसले को गैर कानूनी बताते हुए उसे ओएफएनजी से पैसे जुटाने के लिए मना कर दिया और निवेशकों के पैसे लौटाने को कहा था। इसके बाद से ही सहारा प्रमुख रॉय पैसे लौटाने से कतरा रहे हैं। दरअसल इस मामले की सुनवाई रंजन गोगोई वाली बेंच कर रही थी और इस बेंच ने कहा है कि सहारा ग्रुप ने अभी तक 15,000 करोड़ ही जमा किए हैं। इस बेंच में एक एक सिकरी और एक एक कॉल भी शामिल है जो ग्रुप को एक और मौका देने के खिलाफ थे। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।